News 18, India. चौबीस 29 में फंसी हुई है कांग्रेस। मैं बताता हूं आपको 50 में क्या होने वाला है। 2050 में लेके चलता हूं आपको। 300 में से 40 भी ना जीतेगी कांग्रेस। 300 में से 40 भी ना जीतेगी कांग्रेस। दीदी के दिए ये जख्म अब कैसे भरेंगे? दीदी ने कही है, ममता जी ने, कि दीदी के दिए ये जख्म अब कैसे भरेंगे। यूपी, बंगाल, मुंबई, हर ओर टेंशन है। आप ही बताओ समर्थक क्यों ना डरेंगे। आप ही बताओ समर्थक क्यों ना डरेंगे। 29 छोड़ो, 50 की बताता हूं सुनो। 29 छोड़ो, 50 की बताता हूं सुनो। अखंड भारत होगा और योगी पीएम बनेंगे। अखंड भारत बनेगा और योगी पीएम बनेंगे। कांग्रेसी कोशिशें तब भी जारी रहेंगी और कांग्रेसी कोशिशें तब भी जारी रहेंगी और राहुल 22वीं भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। राहुल 22वीं भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। अब मैं बताऊं, वो आ रहा है 200 किलो वाली बात आ रही है कि जो है, मैं बता रहा हूं कहां लेके जा रहे हैं राहुल जी। वो कोयला आखिर लेके कहां जा रहे हैं मैं बता देता हूं आपको, सुनिए आखिरी में, कि एकता के लिए बने ही सिंधी गठबंधन में एकता ही नहीं है अब दिखाने के लिए। शिव भक्त के रूप में आए अब राहुल जी, नई ट्रिक लाए लोगों को लुभाने के लिए। हा? ये कांग्रेस भी हो गई है दूध के दांत जैसी। विधायक तैयार रहे हैं टूट जाने के लिए। क्या बात है, ये कांग्रेस भी हो गई है दूध के दांत जैसी। विधायक तैयार रहे हैं टूट जाने के लिए। साइकिल पर कोयला भर के राहुल जी लेके जा रहे हैं स्टोव जलाने के लिए। अभी एक बात चली थी कि राहुल जी ने एक 200 किलो कोयले की एक साइकिल चलाई और कांग्रेस ने बड़ा उसका प्रचार किया। यार एक सबसे बड़ी समस्या क्या है राहुल जी की, वो इतना इनोसेंट आदमी है बोला हाँ, उसको इनमें से जो कुछ भी बता देता है वो करने लग जाता है। सही में इतना प्रचार कर रहे हो आप, जानते हो, हालांकि मैं ऐसी बात कह रहा हूं कि जो अभी किसी ने नहीं कही है। हो सकता है शुरू शुरू में आपको उल्टी लगे, लेकिन बात वो सही है। जो साइकिल तुमने चलाई वो अनैतिकता का संयंत्र है। बताऊं कैसे, तुम आम आदमी से जोड़ रहे हो उसको, सुनो, जो साइकिल तुमने चलाई वो अनैतिकता का संयंत्र है। वो उस आदमी का भजन नहीं, चोरी का माफिया तंत्र है। ये मौका है खुद पर विचार का। बड़ा शोर करते हो भ्रष्टाचार का है? तुम अपने ही कहे बयानों को खंडित कर रहे हो और बड़े गर्व से चोरी को महिमा मंडित कर रहे हो। माफिया की सीना चोरी का वो कोयला होता है चोरी का। तो साइकिल पे जा रहा है ना? यस, माफिया की सीना चोरी का वो कोयला होता है चोरी का। और अभी इसने जो बात कही थी उसको ध्यान में रखना और मस्ती लेना। कोयला होता है चोरी का। फोटो पोस्ट करके खामा खा हल्ला, फोटो पोस्ट करके खामा खा हल्ला। चोरी का कोयला कोई सौगात है? इतना हल्ला कर रहे हो? चोरी का कोयला कोई सौगात है? हाँ, राहुल अपने स्टोव में जलाए तो अलग बात है। यार कभी वो ट्रक पर चढ़ जाते हैं, कभी वो साइकिल ले लेते हैं, कभी कुली बन जाते हैं। एक चौपाई बोलता हूँ और बच्चों आनंद लेना, उसका संपुट का भरना है। चाहे जितने स्वांग रचाई
राहुल को नहीं दोष गुसाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गठबंधन में लगी बीमारी, फैमिली की मारा मारी, आपस में है तनी कटारी कटारी, अरे मतलब की है इनकी यारी, ब्रेकअप होता हर बारी, मतलब की है इनकी यारी, ब्रेकअप होता हर बारी, नहीं किसी की जिम्मेदारी, हाथ पैर मारती है आखिरी में हारती है, घटती जाती है इनकी सीट, सुनो इन सब पे भारी मोदी, सुनो इन सब पे भारी मोदी, सुनो इन सब पे भारी मोदी। और क्यों भारी मोदी है? बहुत अच्छे। एक बता रहा हूं, बहुत अच्छे भाई, कि गठबंधन के दल मिलकर भी ना पहुंचेंगे 100 पर। ये चुनाव का रिजल्ट बता रहा हूं 2024 के। दीपक जी प्लीज लुक एट मी। गठबंधन के दल मिलकर भी ना पहुंचेंगे 100 पर, वोटों के एग्जाम पे फिर से मोदी होंगे। फिर से, गठबंधन के दल मिलकर भी ना पहुंचेंगे 100 पर, वोटों के एग्जाम में फिर से मोदी होंगे टॉपर, गठबंधन की कागज कश्ती रखी हुई है लो पर, गठबंधन की कागज कश्ती रखी हुई है लो पर, और सीटों के बंटवारे का ना खुला अभी तक ऑफर, सीटों के बंटवारे का ना खुला अभी तक ऑफर, रोजगार पड़ती है और दरार पड़ती है, करते एक दूजे को है चीट, इसलिए सुनो इन सब पे भारी मोदी, सुनो इन सब पे भारी मोदी। और गठबंधन के घटकों का क्या हाल हो रहा है किशोर जी? साइकिल वालों पर पंजे का रोब नहीं है जमता, और दिल्ली की झाड़ू का ड्रामा कभी नहीं है थमता, दिल्ली की झाड़ू का ड्रामा कभी नहीं है थमता, और जेडीयू के बाबू खा गए लालू जी की क्षमता। और आखिरी लाइन पे सबके हाथ खुले, कि जेडीयू के बाबू खा गए लालू जी की क्षमता, इधर अकेली माया बहना उधर अकेली ममता, इधर अकेली माया बहना उधर अकेली ममता, मोल भाव करती हैं फिर चुनाव करती हैं, इनकी ना होगी कभी मीट, सुनो इन सब पे भारी मोदी, सुनो इन सब पे भारी मोदी। दीपक जी आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अब मैं आपको थोड़ा और मुस्कुराने की वजह देता हूँ। दो बयान हैं जी कांग्रेस के, एक तो ये है कि इनके अध्यक्ष ने बूथ एजेंट की तुलना कुत्ते से कर दी माइक पे भाषण के दौरान, और दूसरा इनके सांसद हैं जो अलग देश की मांग चाहते हैं, दक्षिण भारत के सांसद हैं। अब सुनो, आप आनंद लेना आप दीपक जी, क्या ऐसी कल्पना उचित है आप ही बताएं, आप तो बूथ एजेंट की तुलना कुत्ते से करें और वो आपका चुनाव जीतवाए। वो आपको चुनाव जीतवाए, ये सबको पता है, वफादारी वाला जवाब बिल्कुल तैयार होगा, पर यही तुलना अगर वो बूथ एजेंट कर दे तो पार्टी को स्वीकार होगा? तो पार्टी को स्वीकार होगा, सुबह शाम नफरत मिटाने का दम भर रहे हैं, जब आपको अलग देश चाहिए ही तो ये मोहब्बत भारत जोड़ो टाइप का ढोंग क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अभी भी नहीं समझे कि ऐसे ही बयानों से तो पार्टी पचड़े में है, देश तोड़ने की बात पे देशद्रोह का केस हो जाए तब याद आएगा कि लोकतंत्र खतरे में है। भाई वाह, तब याद आएगा कि लोकतंत्र खतरे में है, ऐसे तो जनता सत्ता नहीं सौंपेगी, इस बात पे गांठ लगाइए, आप चाहे तिलक लगा के धोती पहनिए या कोयले के साथ फोटो खिंचवाइए।
बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया।